तो अगर इस श्लोक का हमारे कॉर्पोरेट लाइफ की मीनिंग में जाते हैं तो पहली लर्निंग है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्स स्किल्स। हर टीम में किसी एक स्किल के लोगों की जरूरत नहीं होती है, डाइवर्स स्किल्स के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानिबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बारे में बताने की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि वो भी दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हमारी सेना में, इस महाभारत के युद्ध में हमारी सेना में भी बड़े बड़े महारथी हैं। तो अगर इस श्लोक का हमारे कॉर्पोरेट लाइफ की मीनिंग में जाते हैं तो पहली लर्निंग है इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्स स्किल्स। हर टीम में किसी एक स्किल के लोगों की जरूरत नहीं होती है, डाइवर्स स्किल्स के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक युद्ध में देखा जाए तो एक तलवारबाज की ज़रूरत है, एक तीरंदाज की ज़रूरत है, एक भाले वाले की ज़रूरत है, एक गदा वाले की ज़रूरत है और एक स्ट्रेटजिस्ट की ज़रूरत है। उसी तरीके से हर टीम में, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ के हर टीम में, एक एक्सेल वाला भी चाहिए, एक प्रेजेंटेशन वाला चाहिए, एक स्पीकर चाहिए, एक प्लानर चाहिए, हर टाइप के लोग, हर स्किल सेट के लोगों की ज़रूरत होती है एक सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए। और तभी वहाँ से सेकंड लर्निंग आती है, कोलैबोरेशन स्पिरिट। जब ये डाइवर्स स्किल्स के लोग एक साथ आ जाते हैं तो हमेशा चांसेस रहते हैं कि हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में जाए, तभी उनके बीच में कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होना चाहिए कि हाँ, सब के सब मिलके एक साथ काम करें, जिसे कि हम बहुत स्पेशलाइज्ड टर्म यूज़ करते हैं, टीम वर्क। और इसी टीम वर्क में हमारा तीसरी लर्निंग आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज लीडरशिप। हर टीम में हमेशा एक लीडर का होने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टीम वर्क के साथ होता क्या है, कंट्रोवर्सीज बढ़ती जाती हैं। तो एक लीडर होना चाहिए हर टीम में जो कि अपनी टीम की सारी कंट्रोवर्सीज को कंट्रोल करे और टीम को एक प्रॉपर पाथ प्रोवाइड करे कि हाँ, इस पाथ से जाना चाहिए, किस वे से जाना चाहिए कि टीम का सक्सेस हायर मैनेजमेंट को भी विजिबल हो। और इस लीडरशिप से हमारी चौथी लर्निंग आती है, शेयर्ड विजन। होता क्या है कि हर टीम के हर मेंबर की एक अपनी स्किल सेट होती है, स्किल सेट की वजह से वो एक अचीवमेंट पे जा सकता है, दूसरा पर्सन दूसरे स्किल दूसरे अचीवमेंट पे जा सकता है, लेकिन उन सब के अचीवमेंट्स को कोलैबोरेट करके एक बिगर पिक्चर दिखाना ज़रूरी है। जिस तरीके से दुर्योधन अपनी सारी टीममेट्स में, अपने सारे महारथियों में एक कॉमन रिजल्ट्स की तरफ गाइड करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरीके से हमारे टीम में भी लीडर को सारे अपने टीम मेंबर्स के साथ एक बिगर पिक्चर शेयर करना चाहिए। हो सकता है कैड वाला कुछ काम करे, हो सकता है प्रेजेंटेशन वाला कुछ काम करे, हो सकता है एक्सेल वाला कुछ काम करे, लेकिन एट द एंड हमारा जो रिजल्ट्स है वो हर किसी को क्लियर होना चाहिए और हर किसी को पता होना चाहिए कि उनका एफर्ट्स उस रिजल्ट को पाने के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से गीता के पहले अध्याय के सातवें श्लोक की चार कॉर्पोरेट लर्निंग, पहला इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्स स्किल्स, दूसरा कोलैबोरेटिव स्किल्स, तीसरा इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप और चौथा शेयर्ड विजन। तो इस तरीके से कभी भी आप अगर फंस जाते हैं किसी भी काम में तो गीता की तरफ अपना ध्यान जरूर जाइए, बिकॉज गीता से हमारे कॉर्पोरेट में देखो चाहे हमारे लाइफ में देखो बहुत सारे लर्निंग, हर एक श्लोक से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी तरीके के गीता के ज्ञान के लिए, गीता से क्या क्या लर्निंग हम ले सकते हैं अपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, उसे जानने के लिए फोकट के ज्ञान को फॉलो कीजिए और फोकट का ज्ञान लेते रहिए।